स्टारप्लस के फेमस सीरियल अनुपमा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वेल दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि सीरियल अनुपमा में अब खुलने वाला है 6 महीने पहले की राज। जी हाँ, काव्या बताएगी अनुपमा को 6 महीने पहले की सच्चाई और अनुज कहाँ है और अनुज अभी क्या कर रहा है। आखिरकार 6 महीने तक अनुज अनुपमा से दूर क्यों रहा, आखिरकार अनुज और अनुपमा की दूर होने की वजह क्या है, इन तमाम बातों से अब काव्या उठाएगी पर्दा। जी हाँ, अनुपमा को काव्या ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें अनुज कपाड़िया की वो तस्वीर है जिसमें अनुज कपाड़िया बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। वो हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट अनुज कपाड़िया तो बन गया है अजीब वो गरीब, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाढ़ी, न ढंग के कपड़े, वो चेहरे पे वो चाम नहीं, वो रौनक नहीं, वो चुलबुलापन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो फोटो देखकर तो एक पल के लिए अनुपमा पहचान ही नहीं पाई कि ये उसके ही अपने कपाड़िया जी हैं। जी हाँ, उसे तो पहले भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब ध्यान से उस तस्वीर को देखा तो पता चला कि अरे ये तो मेरे कपाड़िया जी हैं। लेकिन आखिरकार मेरे कपाड़िया जी ने अपनी ये क्या हालत बना रखी है, वो स्मार्ट से कपाड़िया जी कहाँ गए। दरअसल अब काव्या यहाँ पे अनुपमा को सच्चाई बता रही है 6 महीने पहले की, कि जब अनुज उसे लेने आ रहा था उस दौरान आद्या ने उसे कॉल करके बोला कि आज से आपका और मेरा रास्ता ख़त्म। और उसके बाद ही जब आद्या को अनुज ढूंढने गया उस दौरान अनुज की एक्सीडेंट हो गई, अनुज का बहुत ही ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ। जब वो हॉस्पिटल से ठीक होकर पहुँचा तो न तुम थी और न ही आद्या थी, तुम्हारे और आद्या को ढूंढते ढूंढते अनुज की ये हालत बन गई है, वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो गया है। जी हाँ, उसे कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, वो खुद की होश में नहीं है। ये सुनने के बाद अनुपमा बेहद घबरा जाती है और कहती है मेरे कपाड़िया जी की हालत ये, और वो भी मेरे रहते। अब देखिए यहाँ पे अनुपमा को अनुज की सच्चाई पता चल गई है, अब क्या करेगी अनुपमा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।